आवाज आ रही है मेरी बच्चों? बताइए फटाफट, मेरी आवाज आ रही है क्या? ये तो लास्ट से स्टार्ट हो गया, एक मिनट। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फटाफट। बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, कौन कौन लाइव है जरा एक बार देख लेते हैं, कौन कौन लाइव साथ में आ चुका है। बच्चे शेयर मैंने कर दिया था, क्लास में भी अनाउंस कर दिया था, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धांत गुप्ता, किंग खान, दिव्या, प्रत्युष, यास्मीन, अनु, दिव्या, ऋषभ, बहुत सारे बच्चे आ गए यार, बहुत बढ़िया। बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, दिल के सच्चे। स्टार्ट करें क्लास को, तो भैया स्टार्ट करते हैं क्लास, मोबाइल रख देते हैं सामने ताकि आपका कमेंट में पढ़ सकूं, ठीक है। नीतेश कुमार, संतोष मैं तो सभी को गुड इवनिंग, तो बज रहे हैं 9:32 हो रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग। आज इंटरनेट की प्रॉब्लम मुझे कोई मत बताना, ठीक है, फटाफट आंसर करिएगा और फटाफट आज ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया, ये देखो 30 से ऊपर बच्चे इतने जल्दी जुड़ चुके हैं। फटाफट पहला काम एक कर दो, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दो यार, ताकि हम फटाफट आगे बढ़ सके। आज हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आप जरा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अभी हाल ही के दिनों में किस राज्य ने अपने एक गांव का नाम बदलकर वहां के एक फोक डांस के नाम पर रख दिया है। ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है और सभी लोग सेशन को लाइक कर देते हैं। आगे चलते हैं फटाफट, हम सेशन के बारे में आगे जान लेते हैं। नॉलेज 365 के चैनल पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें कंप्लीट जीएस का पैकेज आपको मिलता है। क्लियर है, आगे चलें। इसके बाद थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूं, मैंने बीटेक किया, बीटेक कानपुर से केमिकल में, एसएससी सीजे 17-18 का टायर 3 दिया है, यूपीपीसीएस का लोअर दिया है और रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है, 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ में अगर हम आगे चले तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ अनअकैडमी वाले जुड़े हुए हैं, पता है कितना मजा आता है अनअकैडमी पर। सर आपने 2 दिन क्लास नहीं लिए क्या? हाँ मैं अनअकैडमी क्लास ले रहा था बेटा, ठीक है, क्लासेस जो है मेरी अनअकैडमी पे चल रही थी। इसके बाद हम गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे और वहां पर जाके अपने मंथ के हिसाब से जो भी आपको सही लगता है, सटीक लगता है, उसके हिसाब से आप प्लान चूज कर सकते हैं। बैच जो आ रहा है वो 1 अगस्त को आ रहा है, टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, तो इसमें अपने हिसाब से आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 12 महीने, 24 महीने और 6 महीने का सही है। इसके साथ साथ में अगर आप अप्लाई करते हैं योगेन, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। क्लियर है, बाकी चीज हम बीच बीच में बताते रहेंगे। गुड टू सी यू, थैंक यू। चलो तो क्लास को हमने धमाके तरीके से स्टार्ट कर दिया है, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। अब कमेंट बॉक्स इतना तेज चलना चाहिए, कमेंट बॉक्स जो है वो इतना तेज चलना चाहिए कि मेरे कमेंट मुझे दिखना बंद हो जाए। हेलो सुनील कुमार, यूको बैंक के भाई ये हैं। चलो तो अगर मैं बैंड और बैक करूं तो होता है क्या है कि जब कोई बॉलर, समझिए, जब कोई चीज को, गेंद को फेंकना होता है तो बहुत तेजी से फेंकता है। जब मैं 12th क्लास में था तो मैं इतनी तेजी से गेंद करता था कि मेरी कमारी में ही जो प्रॉब्लम हो गई थी, 2 महीने बेड रेस्ट रहा। तो बेंड योर बैक का वर्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है, फटाफट कमेंट करेंगे। सबसे पहले आंसर आया पवन का, पवन कह रहा सर पहले का आंसर ए है, गलत है, हॉकी इज रॉन्ग। हॉकी में बेंड योर बैक का उपयोग नहीं किया जाता है। होता क्या है कि कैप्टन अपने, जो कैप्टन होता है वो अपने बॉलर को कहता है कि बेंड योर बैक, मतलब तेज फेंको। बेंड योर बैक का मतलब क्या है? तेज फेंको। तेज क्या फेंकेंगे? क्रिकेट इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या बनेगा? क्रिकेट इसका सही आंसर बन जाएगा। अब मुझे एक चीज और बताओ, लव वर्ड, लव वर्ड इन चारों में किसका सही आंसर बनेगा? लव, अगर हम लव वर्ड यूज करेंगे तो इन चारों में कौन सा सही आंसर बनेगा? मैंने कल की क्लास में बताया था लव क्या होता है, लव इज अ पॉइंट। तो जैसे जैसे पॉइंट गिरते जाएंगे वैसे वैसे बोलता जाएगा 1 love 2 love 3 love। राइट आंसर क्या बनेगा? वॉलीबॉल इज द राइट आंसर। आपको वॉलीबॉल भी याद रखना है। तो पहले का आंसर क्रिकेट सही है। रंजन, सबसे पहले आंसर दिया है रंजन नायक ने, बहुत बढ़िया, गुड बेटा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। मतलब आपको बताना है कि अगर प्रॉपर्टी जो होती है, मतलब अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ का देखो ये सबसे अंदर वाला भाग, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कोर कहते हैं। इसके जो बीच वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और जो सबसे बाहर वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। अब वो कह रहा है कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा
एलिमेंट पाया जाता है। गौर करिएगा ध्यान से, गलत मत कर देना। अनामिका पाठक ने आंसर दे दिया, बहुत ही बढ़िया लड़की, अमेजिंग। तो अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, बात करूं तो एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर पाया जाता है सिलिकॉन, फिर पाया जाता है एल्यूमिनियम, फिर पाया जाता है आयरन और फिर पाया जाता है कैल्शियम। दिस इज द राइट ऑर्डर, सबसे पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम। अगर मैं इस एलिमेंट की जगह यहाँ पे अगर मेटल लिख दूं कि भाई कौन सा मेटल सबसे ज्यादा क्रस्ट में पाया जाता है, तो आपका आंसर बदल जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, दूसरा आंसर सही है। सबसे पहले आंसर किसने दिया है यहाँ पे, सबसे पहले आंसर एक लड़की ने दिया था, लड़की कौन गई वो देखो आगे निकल गई है, अनामिका पाठक ने आंसर दिया था, बहुत बढ़िया अनामिका, गुड बेटा, ठीक है आगे चले। आगे चलो, अगर मैं कहूं कि कोर में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो याद रखना कि कोर की अगर हम बात करें तो नीफे, नीफे का मतलब क्या है, निकल और आयरन। अगर मैं मेंटल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सीमा, सीमा का मतलब क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अगर मैं क्रस्ट की बात करूं तो क्या होगा, क्रस्ट का मतलब सियाल, सियाल का मतलब क्या हो गया बेटा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चले, श्याम बाबा बेटा रिफ्रेश कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which documentary based on the Indian Society won on Academy Award in 2019? 2019 की ये मूवी है, वैसे तो बना हुआ है लेकिन ये बहुत ही बढ़िया मूवी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो जरूर देखो। महिलाओं के ऊपर है कि किस तरीके से जो विमेन होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो अपने एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम लेके इतनी ज्यादा हिचकती हैं, तो इसको लेके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री का क्या नाम था, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, दिस इज द राइट आंसर। इसके डायरेक्टर का नाम कोई बच्चा मुझे बता सकता है, इसके डायरेक्टर का नाम कौन बच्चा बताएगा मुझे, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है, इसका आंसर कौन बताएगा। यस, सियाल, सीमा और नीपे, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे अंशु कुमारी ने। अगर मैं इसके डायरेक्टर की बात करूं तो इसके डायरेक्टर का क्या नाम है, रायका जहतावची, क्या नाम है, रायका जहता बाची, ये इसके डायरेक्टर का नाम है और इंडियन डॉक्यूमेंट्री है और इसको अकेडमी अवार्ड मिला था। अकेडमी का मतलब समझ रहे हो क्या है, ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है, ये बड़ी बात है, है ना, ऑस्कर अवार्ड। कोई मुझे बता सकता है कि इंडिया का ऐसा कौन सा सिंगर है जिसे अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, एक सिंगर का नाम आपको बताना है और ये भी बताना है कि किस मूवी के लिए उनको अकेडमी अवार्ड दिया गया था। तो जिस सिंगर की यहाँ पे बात हो रही है उनका नाम है ए आर रहमान। और किस मूवी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया था, किस सॉन्ग के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, तो वो है जय हो, है ना, कौन सा है, जय हो। किस मूवी का है, तो ब्लेनियर, कौन सी मूवी का है, यस ए आर रहमान इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप लोग, एकदम बराबर, फंटास्टिक लिखे जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है आगे चलूं मैं, आगे चलते हैं, इसके बारे में काफी बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपने गाना सुनाने को ही बोला था, एक ना मैं तो बिल्कुल सुनाऊंगा, जिस दिन गाना सुनाऊंगा उस दिन चार पांच गधे आके हमारे मोहल्ले में इकट्ठे हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। चलो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इफ द करंट ऑफ 0.1 एम्पियर पासिस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ 5 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन इट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, CHSL 4/7/2018 में थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में आपको लगाना है ओम्स लॉ। जरा मुझे बताओ सबसे पहले कौन आंसर देने वाला है, यह सबसे पहले आंसर दे दिया है तान्या ने, बहुत ही बढ़िया बेटा, अमेजिंग। लेकिन सही है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा तान्या, तुमने आंसर तो दे दिया है, सही है या नहीं है। सही है बिल्कुल, तान्या ने सही आंसर दिया है, यश्मी ने सही आंसर दिया है, ऋषम ने सही आंसर दिया है, दीपक शर्मा ने सही आंसर दिया है, सारे वही बच्चे हैं, सारे वही के वही बच्चे हैं, अनअकैडमी वाले ये। तो अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो V इक्वल टू IR लगा देंगे बेटा, V कितना है हमारा 5 वोल्ट दे रखा है, I कितना दे रखा है 0.1 एम्पियर दे रखा है और रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/0.1, ये कट जाएगा 50 हो जाएगा। ये एक बार और भी क्वेश्चन में करा चुका हूं, राइट आंसर कौन सा बनेगा, तीसरा आंसर सही बन जाएगा। कमेंट बहुत तेज चल रहा है, सर आप अब से क्लास लो यूट्यूब में, प्रेम सागर क्या करें, ये नौकरी बहुत बुरी चीज है और खासकर लॉकडाउन के दौरान नौकरी बहुत ही जरूरी है, तो जो ऊपर वाला कहेगा वही क्लास लेनी पड़ती है। ठीक है आगे चलें, चलो बेटा आगे चलते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आज के दिन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताता हूँ, न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि
कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पेट्रोल के ऊपर जो जो टैक्स था, पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा कम कर दिया, वैट जो था वो बहुत ज्यादा कम कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे क्या मूर्खता वाली बात है, हर सरकार बढ़ाती है वैट, ये भाई साहब घटा क्यों रहे हैं? तो भैया ये मूर्खता नहीं है, बल्कि इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कैसे कहते हैं ये समझना। अगर उसने वैट पेट्रोल के ऊपर नहीं, सॉरी डीजल के ऊपर उसने अगर वैट कम कर दिया, तो इससे होगा क्या कि जो खाने पीने की चीजें हैं, जो डीजल जिनसी चीजों से चलता है यातायात, जिनसे चलता है, जिनसे जिनका मोस्टली उपयोग किया जाता है परिवहन में, तो ऐसी केसेस में लोग ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा चीजें इधर से उधर लेके जाएंगे और नॉर्मल चीजें लोग खरीदेंगे ज्यादा। तो अगर ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो उनके ऊपर वैट भी ज्यादा मिलेगा, उनको उनके ऊपर टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। तो एक तरीके का इकोनॉमिक्स है ये। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म, अगर किसी भी फर्म की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी दोस्त, तो ज्यादा चीजें बनेगी, प्रोड्यूस ज्यादा होंगी, और अगर ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होंगी तो लोग खरीदेंगे भी ज्यादा, क्योंकि उसका प्राइस जो है वो भी कम होगा। अगर कम चीजें बनेंगी तो प्रॉब्लम होगी, उसकी नेट नेट जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक फिक्स एरिया के अंदर जितनी चीजों का निर्माण होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। क्लियर है, इंक्रीज इन जीडीपी इज द राइट आंसर। सभी ने आंसर सही दिया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्स्टेक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज जीरो आवर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। फटाफट आंसर करो, कौन सबसे पहले आंसर कर रहा है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर कर रहा है। हाँ, प्रोडक्ट अच्छा ना हो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है तान्या, लेकिन हम जब भी बात करते हैं इकोनॉमी की तो वहां पे प्रोडक्ट को हम हमेशा गुड लेके चलते हैं, इन्फीरियर प्रोडक्ट को लेके नहीं चलते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो इन्फीरियर प्रोडक्ट को लेके नहीं करते हैं। टाइम बिफोर क्वेश्चन आवर गलत आंसर है, पहला आंसर गलत हो गया है, जो बच्चे पहला आंसर दे रहे हैं गलत है। पवन रजा कह रहे सर आंसर डी होगा, बिल्कुल पवन एकदम सही आंसर दिया बेटा तूने, अमेजिंग भाई, बहुत ही बढ़िया। जीरो आवर, अब मुझे एक चीज बताना कि जीरो आवर का मेंशन हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। कोई बच्चा बताएगा मुझे जीरो आवर का जो मेंशन है वो हमारे आर्टिकल के, हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। कोई बच्चा बताएगा, राइट आंसर तो चौथा हो गया, एकदम सही है, सभी ने आंसर सही दिया है। चंद्रकांता ने सही आंसर दिया है, अनामिका ने सही आंसर दिया है, संतोष ने दिया है, रंजन ने दिया है, शिवा ने दिया है, सभी ने आंसर सही दिया, एकदम सही है। सर बफर सिर्फ मेरा होता है क्या? नेटवर्क बेटा सही ले लो तुम, अगर अभी भी आप सस्ते के चक्कर में पड़े हो तो बदल डालो इसको, बदल डाला तो लाइफ झिंगा लाला, राइट। तो अगर मैं कहूं कि किस में दिया गया तो गलत है, जीरो आवर का मेंशन हमारे संविधान में है ही नहीं। सो नो मेंशन इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। बिल्कुल सही है, 1962 में, 1962 में सबसे पहले जीरो आवर को स्टार्ट किया गया था। जीरो आवर में आप किसी भी मसले को उठा सकते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस के, मतलब ऐसे समझो कि आपको कोई भी चीज करनी है, अगर आपको डिस्कस करना है COVID-19 तो अगर आप अध्यक्ष को नहीं भी बताओगे तब भी आप जीरो आवर में उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो जीरो आवर इज लाइक अ हुलाला, मतलब लोग यहाँ पे चिल्ला चौट मचाते हैं और होता इसमें कुछ भी नहीं है। सो जीरो आवर जस्ट आफ्टर द प्रश्नकाल, प्रश्नकाल के जस्ट आवर का जो आवर होता है उसे जीरो आवर कहते हैं, और ये स्टार्ट होता है 12 नून से, इसलिए इसको जीरो आवर बोला जाता है। कब से? 12 नून से, 12 बजे स्टार्ट होता है एग्जैक्टली। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेहू के खीम और काउरी सॉल आर द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ, रेहू के खीम या काउरी सॉल कहाँ के परंपरागत वस्त्र हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कौन आंसर करता है। या सेवेंथ का आंसर पवन रजक ने बताया है, पहला वाला, बहुत बढ़िया पवन, आज तो बेटा तू टॉप करने वाला है। पहले का मतलब देखो बेटा, मैं काउरी शॉल की बात कर लेता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। काउरी शॉल क्या है? अमीरों के द्वारा, काउरी जो शॉल है वो अमीरी जनजाति, इस अमीरी जनजाति का नाम पता क्या है? इस अमीरी जनजाति का नाम है यम चुंगेर। तो यम चुंगेर जनजाति के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो व्यक्ति ये वस्त्र पहनता है उसके लिए ये माना जाता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति शादीशुदा है, मतलब ये पहचान है, लाइन मत मारो, आदमी जो है वो शादीशुदा है, महिला है तब भी शादीशुदा है,
महिला है तब भी शादीशुदा है, और अगर अगर मेल है तब भी वो शादीशुदा है। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूं राइट आंसर इसका क्या बनेगा, तो ये राइट आंसर बनेगा नागालैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नागालैंड इसका सही आंसर बनेगा। अब मुझे जरा ये बताओ कि नागालैंड का एक फेस्टिवल है जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, नागालैंड का एक फेस्टिवल है जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। सर अनअकैडमी का टाइम क्या रहता है आपकी क्लास का, 9 बजे, ठीक है। यस, तो फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल किसकी बात हो रही है, हॉर्न बिल इज द राइट आंसर। हॉर्न बिल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। भैया लाइक जरूर कर दो सेशन को फटाफट, जितने लोग मुझे देख रहे हो उतने लाइक तो हो जाने चाहिए, है ना, आज लाइक का 100 के ऊपर पहुंचाना है। यस, राइट आंसर क्या बनेगा, हॉर्न बिल इज द राइट आंसर। नागालैंड की राजधानी क्या है, तो आपको पता है कोहिमा है, लेकिन कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, देखते हैं कौन इसको गैस कर पाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड कौन बताएगा, अनामिका बताएंगे या याश्मी बताएंगे, कौन बताएगा, अनामिका या याश्मी, देखते हैं कौन बताता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कौन है भाई, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये आंसर दिया सबसे पहले संतोष महतो ने और पवन रजक ने, बिल्कुल सही लिखा है। हॉर्नबिल 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में होता है, यास्मीन लिख रहे हैं एकदम सही है, इंग्लिश द राइट आंसर, इंग्लिश द राइट आंसर, इंग्लिश एकदम सही उत्तर है। अब मुझे इन चारों में जरा ये बताइएगा काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, जहां पर एक सिंह वाले गिड़े हाथी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि काला पगोड़ा कहां पे है, काला पगोड़ा मतलब सूर्य भगवान को लेकर जो है ये दिया गया है। दो चीजें मैंने आपसे पूछी है, इन्हीं चारों में एक आंसर है। तो अगर मैं काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करूं तो ये कहां पे है, ये है असम में, और अगर मैं काला पगोड़ा की बात करूं तो इसे कहते हैं सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहां पे, उड़ीसा में है। याद रखेंगे सभी लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया, आगे चलें, बिल्कुल बिल्कुल लिखते चलो, जो जो आपको याद है सब कुछ लिखते चलो, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ का चीरफाड़ करेंगे, सभी कुछ का पोस्टमार्टम करेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इन इन में से कौन सी संस्था का निर्माण किया था 1876 में, कब 1876 में, बताओ जरा आंसर क्या आंसर बनेगा। देखो एक चीज और भी समझना है, यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात कर ली तो इन्होंने एक बुक लिखी है जो कि पीसीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, कौन सी बुक है, अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। दूसरे व्यक्ति कौन है, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस की बात करें तो आंसर बच्चों ने दे दिया है लेकिन गलत दिया है। आठवें का आंसर क्या सही है, भारतीय संघ की स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, कब 1876 में, ठीक है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। जो बच्चे दूसरा आंसर दे रहे हैं एकदम सही आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे चौथा आंसर दे रहे हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं, बंगाल एसोसिएशन गलत आंसर है, याश्मी सिंगला ने सही आंसर दिया है, क्लियर है, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पूरे विश्व का अगर आपसे ग्रैंड कैनियन पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। पूरे विश्व का ग्रैंड कैनियन की अगर हम बात करें तो ये है, पूरे विश्व का ग्रैंड कैनियन अमेरिका में है, अमेरिका में, क्या नाम है इसका, एरिजोना में, ठीक है, क्या नाम है, एरिजोना में। लेकिन यहाँ पे भारत के कैनियन की बात कर चल रही है, भारत का जो ग्रैंड कैनियन है वो किस नदी पे है, तो पेन्नार नदी पर है, किस नदी पर है, पेन्नार नदी पर है, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अब तो बता दो यार, इतना बता दिया मैंने, एक और हिंट दे देता हूं, इसे भारत का महान दर्रा कहते हैं, किसकी बात हो रही है, राइट आंसर दे दिया है बच्चों ने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे तीसरा आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं, और तीसरा आंसर किसी ने दिया है, किसी ने दिया है, याश्मीन ने सही आंसर दिया है, द ग्रेट कैनियन ऑफ गांडीकोंडा, दिस इज द ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी जो घाटी है, जो सबसे बड़ी घाटी है वो कहां पे है, वो महान घाटी गांडीकोंडा में, और ये कहां पे, आंध्र प्रदेश में, किस नदी पर बना हुआ है, तो पेन्नार नदी पर ये बना हुआ है। चंबल घाटी, भाई चंबल अगर हम कैनियन की बात करें तो ये चंबल में, सॉरी कौन सा है, ये चंबल रिवर कैनियन की बात करें तो ये कहाँ पे, कोटा में है, कोटा मतलब राजस्थान में है, ठीक है आगे चलते हैं। गंगानी ग्रैंड कैनियन की बात करें, ये कहाँ पे है, गंगानी ग्रैंड कैनियन तो वेस्ट बंगाल में है, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, चारों बता दिए मैंने, आगे चले बेटा। 9 का सी है, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे रंजन रणनायक ने, बहुत बढ़िया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पार्लियामेंट हु टेक द फाइनल डिसीजन और वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मैं देखूंगा,
इसका आंसर तो मैं देखूंगा सर। रिवर, रिवर के नोट्स हैं आपके पास? बिल्कुल सारे नोट्स हैं तान्या, टेंशन ना लो, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स को लेके, पढ़ाई को लेके टेंशन ना लो, जब तक हम है तब तक एकदम खुश रहो, चिल करो, बस लाइक करते चलो। चलो तो भाई, पहले तो मनी विल का आर्टिकल पूछा जाता है, मनी विल का आर्टिकल कौन सा है, याद रखेंगे मनी विल का आर्टिकल है 110। ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई चीज मनी विल है या नहीं है, तो ये डिसाइड करने का अधिकार किसको है, ये स्पीकर को है, अध्यक्ष को है। किसके अध्यक्ष को है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि अभी हाल ही के दिनों में लोकसभा के अध्यक्ष कौन से हैं, कौन है? तो भाई ओम बिरला है। अब मुझे कोई बच्चा एक बात और बता दे कि ओम बिरला किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, किस राज्य से आते हैं, कौन इसका आंसर देने वाला है? फटाफट आंसर करो, ओम बिरला किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं? तो ओम बिरला आते हैं, कोई तो बता दो यार, कोई तो हमारे यहाँ बैठा हो जो इतना ज्यादा, इतना अच्छे से चीजें समझ रहा हो। यस, मध्य प्रदेश से या कोटा से? कुछ बच्चे मध्य प्रदेश बता रहे हैं, कुछ बच्चे कोटा बता रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें से एक आंसर सही है। ओम बिरला किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं? तो ये कोटा बूंदी से, बिल्कुल सही है, कोटा बूंदी से बिलोंग करते हैं, ये कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं ओम बिरला। क्लियर है? अब मुझे एक चीज और बता दो भाई, दोस्त मेरे भाई, अगर मैं कहूं वित्तीय आयोग तो आप आर्टिकल कितना बोलोगे? अगर मैं कहूं वित्तीय आयोग किस आर्टिकल के तहत में आता है, तो आप फटाफट, आपके दिमाग में बड़ा सा बल्ब जलेगा और आप कहोगे सर वित्तीय आयोग का मतलब है आर्टिकल 280। कितना? आर्टिकल 280। ठीक है, क्लियर है? और कुछ बताना है इसके बारे में? मुझे लगता है इतना सफिशियंट है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ड of the time, the song of life, death and the spring? बहुत amazing book है, बहुत ही बढ़िया book है, देखते हैं कौन इसका answer दे पाता है। Yes, article 280 के तहत वित्तीय आयोग का निर्माण किया जाता है। ठीक है तान्या? हाँ, वित्तीय आयोग का मतलब है finance commission। कुछ बच्चे हमारे साथ इंग्लिश वाले भी जुड़े हुए हैं, उनका भी ध्यान रखना है मुझे, ज्यादा हिंदी बोल दूंगा तो समस्या आ जाएगी। देखो, जिसके द्वारा ये बुक लिखी गई है वो हमारी भारत कोकला कहलाती है। कौन है? भारत कोकला, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये भारत की पहली गवर्नर है जो उत्तर प्रदेश से थी, तो उत्तर प्रदेश में पहली गवर्नर कौन थी? यही थी। इनकी जो लड़की थी पद्मजा नायडू, उन्हें वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया, सबसे ज्यादा दिनों तक रही है वो। क्या नाम है इनका? पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू को लेके भाई जवाहरलाल नेहरू के साथ में इनका नाम जुड़ा जाता है, लेकिन वो गलत चीज है, नहीं जुड़ा जाना चाहिए। राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने ही ये बुक लिखी है, द वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग एंड द लाइफ। क्लियर है? अब देखो एक चीज और समझना, मुझे एक चीज बताओ, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई बुक है? अनहैप्पी इंडिया किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई बुक है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बताबट बताना कि भाई आपको बताना है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सच्चाई के साथ मेरे जो है प्रयोग, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तीसरा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? सब इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे, सॉरी लाला लाजपत राय। ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट थ्रू एमजी गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। आगे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई बुक है, सभी याद रखेंगे। एक और बुक है कर्मयोद्धा। कर्मयोद्धा हाल ही के दिनों में एक बुक रिलीज हुई थी, मोदी जी की कहानी है, और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई है कर्मयोद्धा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन क्या है? हु इज द अदर नेम ऑफ ओरियन कॉन्स्टेलेशन? ओरियन कॉन्स्टेलेशन का और दूसरा नाम क्या है? इतना तेजी में लिखा करो आपकी भाई कमेंट बॉक्स एकदम फूट के चला जाए, और भाई वो बटन जो दिख रहा है ना आपको थम्स अप वाला, उसको एकदम फोड़ डालो, दबा दबा के, एक ही बार दबाना, ज्यादा बार मत दबा देना, नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा। ओरियन कॉन्स्टेलेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो भाई ओरियन का मतलब हंटर, और अगर हंटर की बात करें तो ये हंटर कुछ ऐसे बनता है। ओरियन का मतलब क्या है? हंटर। राइट आंसर क्या बनेगा? हंटर इसका सही आंसर बनेगा। अदर नेम ऑफ ओरियन कॉन्स्टेलेशन क्या है? हंटर है। थोड़ी एक चीज और समझना ध्यान से, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे चमकीला तारा, मतलब
ओरियन कॉन्सलेशन में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? जरा बच्चे मुझे बताएंगे, इन्हीं में कोई होगा, इन्हीं में कोई होगा। हंटर कॉन्सलेशन में सबसे चमकीला तारा इनमें से कौन है? बताओ फटाफट, हंटर कॉन्सलेशन में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? हाँ, तापोल होना चाहिए, सही कह रहा है। देखो बेटा, ये रिगेल जो आपको दिख रहा है, रिगेल इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द हंटर कॉन्सलेशन। ठीक है, रिगेल इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द हंटर कॉन्सलेशन, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताओ बच्चा, भाई आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा कॉन्सलेशन कौन सा है, सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा कॉन्सलेशन कौन सा है, उसका नाम क्या है? फिर बच्चा मुझे बताएगा, लगभग 110 के अराउंड इसमें जो है वो तारे, बहुत ज्यादा तारे हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है HYDRA। क्या नाम है? हाइड्रा। हाइड्रा इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वॉज वन ऑफ द फेमस फाउंडर ऑफ डार्टिंगन्स हॉल स्कूल इन जापान? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इधर तो अमेजिंग क्वेश्चन, बताओ आंसर क्या बनेगा। हाँ, हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रा, बच्चे बहुत तेजी में कमेंट करते हैं भैया, लाइक वाइक करते चलो, कहीं छूटना नहीं चाहिए, आज एकदम बटन को फोड़ डालो आप लोग। तो अगर हम बात करें कि भाई इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा भारतीय है जिसने जापान के डार्टिंगन हॉल ऑफ स्कूल की स्थापना की थी, तो जिसने स्थापना की थी उस व्यक्ति को, मैं लिखता चल रहा हूं कमेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या, और सब लोग आंसर गलत दे रहे हैं, लाइन से गलत आंसर आ रहा है, केवल एक लड़की ने आंसर सही किया है और बाकी सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं। जिस व्यक्ति ने दिया था उसको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, इसका नाम क्या है? अमार सोनार बांग्ला। क्या नाम है? अमार सोलार सुनार बांग्ला। ये तो सबको पता है कि भारत का दिया है, लेकिन बांग्लादेश का दिया है ये आपको नहीं पता होगा। क्या आंसर बनेगा? रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी ने सही आंसर नहीं दिया था, गलत है सब लोग, सब जो है वो तुक्का लगाए पड़े, एक लिख देता सब वही लिखने लगते हैं। चलो अब मुझे जरा ये कोई बात बताएगा बेटा कि सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने किस आर्मी की स्थापना की थी, किस आर्मी की इन्होंने स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान देना और सही गलत नहीं बताना, गलत नहीं बताना, ठीक है, एकदम सही बताना। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और ये ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में सिलेक्ट होने वाले पहले भारतीय थे। स्वामी विवेकानंद जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्वामी विवेकानंद वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इन्होंने परमहंस रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। और बता देते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपने बीए में शिक्षा की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी पूछा जा सकता है। फॉरवर्ड ब्लॉक इज द राइट आंसर, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी और आजाद हिंद फौज भी इसका एक हिस्सा थी। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, बताएंगे आंसर जरा। चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई क्या है? हाँ, आजाद हिंद और फ्री इंडिया, एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब सुभाष चंद्र बोस के मतभेद थे गांधी जी से, लेकिन गांधी जी सभी के लिए आदरणीय हुआ करते थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस रंगून चले जाते हैं तो रंगून पर वो जापान की आर्मी के साथ में हाथ मिला लेते हैं और फिर ब्रिटिश पर अटैक कर देते हैं। ये 1940-45 की 45 के अराउंड की बात है। होता क्या है फिर, उसके बाद रंगून से सुभाष चंद्र बोस एक रेडियो पर संदेश देते हैं और गांधी जी से आशीर्वाद लेते हैं कि आपकी कृपा से, या आप आशीर्वाद दीजिए कि हम इस युद्ध में अंग्रेजों से फतह हासिल कर पाए। तो आप सोचिए, इतने ज्यादा मतभेद होते हुए भी ये जो क्रांतिकारी थे, ये एक दूसरे के साथ कितने हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे थे। और आज देखो देश में क्या चल रहा है, एक इंसान दूसरे को नहीं सुहाता है, दूसरा पहले को नहीं सुहाता है, सब एक दूसरे को गरियाते रहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को संबोधन किया था, बिल्कुल सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, बिल्कुल सही है, मोस्टली बच्चों ने आंसर इसका सही दिया है। आगे चलते हैं बेटा, ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की होती है, बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं एम्पियर किसकी होती है, तो करंट की होती है, एकदम ये भी सही है। कोबाल्ट किसी की यूनिट होती है? किसी की नहीं होती है। अब मुझे कोई बच्चा कोई ये बताएगा कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, एक विटामिन का नाम बताओ जिस विटामिन में कोबाल्ट नामक एलिमेंट पाया जाता है। बहुत
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि इसी विटामिन की कमी से परनीशियस अनीमिया नामक बीमारी इंसान को हो जाती है। सीपीयू 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई किस में पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन। हर एक चीज से हर एक चीज जुड़ी हुई है, जोड़ते चलना साथ साथ में, साथ साथ में जोड़ते चलोगे तो बड़ी समस्या, बड़ी अच्छी बात होगी। टेस्ला कौन थे भैया? टेस्ला एक वैज्ञानिक थे। टेस्ला एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक करंट का आविष्कार किया था। कौन सा करंट था? डीसी करंट था या एसी करंट था? कोई बच्चा मुझे बताएगा। टेस्ला एक वैज्ञानिक थे, एडिसन से भी बड़े वैज्ञानिक थे टेस्ला, और टेस्ला ने एक करंट की खोज कर दी। कौन सा करंट था भाई जिसकी खोज कर दी? और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरीके से एडिसन के 1000 से ज्यादा पेटेंट थे, उससे भी ज्यादा पेटेंट टेस्ला के थे, और टेस्ला ने टाइम मशीन बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। अब इन्होंने लेकिन वो बनाया या नहीं बनाया ये तो टेस्ला साहब भी जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक की बात करें तो एसी करंट की इन्होंने खोज की थी। जो बच्चा डीसी बता रहा है एकदम गलत बता रहा है बेटा, एसी करंट की खोज की थी। जो आपके घरों में बिजली आ रही है ना आजकल, वो एसी बिजली है। डीसी बिजली किसने बनाई थी? डीसी बिजली बनाई थी एडिसन ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल बेटा आगे चलते हैं, इतना बहुत है। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मतलब आपको ये बताना है हमारा जो भारत देश है उसका जो ईस्टर्न पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट का नाम क्या है। तो मैं तो भाई चारों के चारों जानना चाहूंगा, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। इतना लिख डालो कि ये कमेंट बॉक्स एकदम पगला जाए, आपको दिखना बंद हो जाए, और लाइक ठोक दो भाई फटाफट। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक ठोक दो। चलो देखो बेटा, सबसे ऊपर का पॉइंट क्या है, इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। याद रखेंगे, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा लेकिन सारा एक्सप्लेनेशन नहीं उसमें रहेगा। नीचे क्या रहेगा? इंदिरा पॉइंट। ये क्या है? इसको कहते हैं गौहर माता, और सरक्रीक भी कहते हैं, बहुत कुछ भी ये कह लो, गौहर माता और सरक्रीक भी कहते हैं। और ये वाला पॉइंट क्या है? इसे कहते हैं किबतु। सही है, बिल्कुल यस, राइट आंसर है। 15वें का आंसर मोस्टली बच्चों ने आंसर सही दिया। अब मुझे सभी बच्चे अपने तसल्ली से, अपने अपने ऑनेस्टी से बताओ कि 15 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं अभी तक। फटाफट कमेंट करो, पूल तो नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 15 में आपके कितने क्वेश्चन यहां पर सही हुए हैं। जिन बच्चों के 15 में 8 के ज्यादा, 8 से प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं, उनकी प्रिपरेशन एकदम अमेजिंग चल रही है। और जिन बच्चों के 8 से कम सही हुए हैं उनकी प्रिपरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको बेटा और पढ़ना पड़ेगा, अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। तो 8 प्लस कितने बच्चे हैं मुझे फटाफट कमेंट करेंगे। ऋषभ ने 15 में 15 सही कर दिए, पवन ने 12 सही कर दिए, धर्मेंद्र कुमार सिंह ने 9 क्वेश्चन सही कर दिए, रवि ने 11, सिद्धांत ने 6, ब्रजेश ने 4। बेटा ब्रजेश पढ़ो, सिद्धांत और ब्रजेश थोड़ा पढ़ो अभी, है ना। प्रेम सागर ने 7 में 3 क्वेश्चन सही किए हैं, तान्या ने 8-9 क्वेश्चन सही किए हैं, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अभी हम 15 क्वेश्चन पहुंचे हैं, 25 क्वेश्चन है टोटल, उसके बाद स्टैटिक का पार्ट है और करंट अफेयर का पार्ट है। तो एकदम आप बेचैनी से, एकदम तसल्ली से बैठे रहो, आपको आज कुछ कंप्लीटली बहुत कुछ मिलने वाला है। 1 घंटे के अंदर आप इतना सीख के जाओगे तो आपके लगेगा कि ओवरफ्लो हो गया है, ठीक है। लेकिन सब मैं याद करा दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है, हर एक चीज आपके दिमाग में बैठा दूंगा धीरे धीरे करके। When the battle was Takrohi was found, Takrohi का battle कब लड़ा गया था? Such a wonderful session. Thank you Anamika. These kind of comment encourage me. बहुत ज़्यादा encourage करते हैं आप लोग ऐसे comment, और बहुत ही अच्छा लगता है। Thank you. तो अगर मैं टकरोही की बात करूं दोस्त मेरे भाई, तो टकरोही का युद्ध लड़ा गया था। टकरोही है क्या? टकरोही एक गांव है। टकरोही क्या है? टकरोही एक गांव है। अब आप कहोगे सर कहां पे है? तो उड़ीसा में, ठीक है, कहां पे? उड़ीसा में। युद्ध लड़ा गया किन किन के बीच में लड़ा गया? अकबर के बीच में, और किसके बीच में लड़ा गया? वर्सेस बंगाल के नवाब के बीच में, ठीक है। अकबर और बंगाल के नवाब के बीच में टकरोही का युद्ध लड़ा गया, और जीता कौन? ऑब्वियसली अकबर ही जीता रहा होगा। अकबर ने बहुत सारे, लगभग सारे युद्ध जीत रखे थे। अगर मैं बात करूं ये कब की बात चल रही है, तो ये बात चल रही है 3 मार्च 1575 की बात चल रही है, 3 मार्च 1575 की बात चल रही है, ठीक है। याद रहेगा दोस्त, राइट आंसर क्या बनेगा? ये वाला आंसर सही बनेगा। अब मुझे जरा ये भी बताओ बेटा कि अकबर की बात चल रही है तो अकबर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको अकबर के बारे में जो कुछ पता है यहाँ पे लिख दो आप, है ना। लिखने से क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। अकबर के बारे में जो कुछ पता है सब कुछ लिख डालो,
हेलो ब्रजेश सर, सक्सेस कोचिंग वालों। अरे ब्रजेश, आप तो भाई एकदम बवाल करने वाले हो। आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ में हैं ब्रजेश, ठीक है? बताइए फटाक से। यस यस यस। अब अकबर के बारे में देखो बेटा, अकबर के बारे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, अकबर ने केवल 13 वर्ष की उम्र में अपना राज सिंहासन संभाला था, और इसमें इसका साथ किसने दिया था? बैरम खान ने। किसने साथ दिया था? बैरम खान ने। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि 9 रत्न में राजेश कौन संभालता था? तो टोडर मल संभालते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके एक और राजा थे जो कि मानसिंह, ये क्या थे? सेनापति थे। इनकी सूझबूझ करने वाला कौन था? बीरबल था, ये भी याद रखना है। बीरबल ने सबसे पहले अकबर के द्वारा एक धर्म स्टार्ट किया था। कौन सा धर्म था? इस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो बीरबल ही था, याद रखेंगे सभी लोग। एक और इंपॉर्टेंट चीज है अकबर के बारे में, अकबर ने जो जजिया कर था वो खत्म कर दिया था, ये भी याद रखेंगे। जजिया कर खत्म किया था, सती प्रथा भी, सती प्रथा पर रोक लगाई थी, प्रतिबंध लगाया था। और इसके साथ साथ में अकबर की अगर हम बात करें तो इसने निर्माण भी करवाया है। क्या क्या निर्माण करवाया है? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने करवाया है। इट वॉज इलिटरेट रूलर, बिल्कुल सही है। और ये अनपढ़ रूलर था, ये भी समझ लो, एक अनपढ़ रूलर होने के बावजूद भी इसने पूरे लगभग लगभग सभी लोगों को अपने वश में कर रखा था। अकबर नामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, यास्मीन सही लिख रही है, अकबर नामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही बढ़िया बेटा, अमेजिंग, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है ना। जोधा अकबर आपने देख ही रखा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इलिटरेट था, फतेहपुर सीकरी था, जजिया कर हटाया था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे चले, बुलंद दरवाजा का निर्माण इसने कराया था, बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं, इतना बहुत अकबर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कंसलेशन। अरे यार, ये तो वही क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर मैं दे चुका हूं, है ना? ये तो वही क्वेश्चन आ गया है, जहां से हम चले थे वही वापस आ गए हैं। बताओ आंसर क्या होगा। थोड़ा पानी पी लूं भाई, गला सूख गया मेरा, और आप लोग भी पानी पी लीजिए, सुन सुन के आपके कान का गला सूख गया होगा। आज हम बहुत कुछ जानेंगे, आज हम एकदम बवाल मचाने वाले हैं। जोधा का नाम हरका भाई था, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बता चुका हूं मैं, हाइड्रा इज द राइट आंसर। हाइड्रा जो है इसका सही उत्तर बन जाएगा, सभी ने आंसर लगभग लगभग सही दिया, ठीक है? आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। When was the battle of Cannauz was fought? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन सबको पता है। हिंट नहीं देंगे हाइड्रा में, हाइड्रा में ऑलरेडी, हाइड्रा का मतलब बड़ा होता है, इसमें हिंट में क्या दूं? हाइड्रा का मतलब बड़ा, अब इसमें मैं क्या हिंट दे सकता हूं यार, बताओ। ऑलरेडी हिंट लिखी हुई है उसमें। अगर मैं बैटल ऑफ कन्नौज की बात करूं तो ये लड़ा गया था हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। हुमायूं वर्सेस शेरशाह शेर खान। अब आप कहोगे सर शेर खान तो सुना ही नहीं है हमने, तो शेरशाह सूरी सुना है। वही बात है, शेरशाह सूरी, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 3 युद्ध लड़े गए। कौन कौन से युद्ध लड़े गए? सबसे पहले चौसा, फिर दूसरा युद्ध कौन सा लड़ा गया? कन्नौज, चौसा, उसके बाद कन्नौज, 2 युद्ध यहां पे लड़े गए। तीसरा युद्ध इसके लड़के के साथ में लड़ा गया था। अगर मैं चौसा की बात करूं तो ये लड़ा गया था 1539 में। 1539 में शेरखान ने पटक के मारा हुमायूं को, तगड़ी मार लगाई, और मार इतनी तगड़ी लगाई कि हुमायूं गुस्सा गए। और जब हुमायूं गुस्सा गए तो हुमायूं ने क्या किया? वापस आए, अपने सारे के सारे जो भाई बहन थे, जितनी भी सेना वेना थी, सब इकट्ठा की और चल पड़े आगरा की तरफ। लेकिन हुआ क्या कि वहां से शेरखान लौट रहे थे, शेरशाह सूरी लौट रहे थे। शेरशाह सूरी को समझ में आया कि भाई हुमायूं हमसे लड़ने आ रहा, तो उन्होंने कहा चलो यही निपट लेते हैं। तो आगरा के पास कन्नौज में ही ये दोनों लड़ने लग गए। कहाँ पे? कन्नौज में। कब की बात हो रही है? 1540 में। इस बार फिर से शेरशाह सूरी ने पटक के मारा हुमायूं को, और इतने तगड़े से पटक के मारा कि भाई शेर हुमायूं जो है वो भाग जाते हैं काबुल, वहां रहते हैं कुछ साल, 15-20 साल। और जब शेरशाह सूरी निपट जाते हैं तो शेरशाह सूरी का जो बेटा होता है उसका नाम होता है सिकंदर सूरी। क्या नाम होता है? सिकंदर सूरी। तो जब सिकंदर सूरी राजा बनता है तो हुमायूं वापस आते हैं, क्योंकि हुमायूं को ये पता था कि जब तक शेरशाह सूरी रहेगा तब तक हमारी गाल गलने वाली नहीं है। फिर सिकंदर सूरी के साथ में तीसरा युद्ध होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सरहिंद का युद्ध। क्या नाम है? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था, और दोबारा से मुगल काल की स्थापना होती है। एंड दिस इज द
हाँ पहले कन्नौज का नाम कान्य कुब्ज था, बिल्कुल सही है। राइट तो सरहिंद का युद्ध किसके साथ में होता है? सिकंदर सूरी के साथ में होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब मुझे बच्चे ये बताएंगे कि शेर शाह सूरी के बारे में आपको क्या क्या पता है, किसके बारे में? शेर शाह सूरी के बारे में क्या क्या पता है, क्योंकि शेर शाह सूरी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू हुमायूं को लेके। हुमायूं ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, हुमायूं भी हार चुके थे, उन्होंने बहुत कुछ करवा ही नहीं पाए हैं, लेकिन शेर शाह सूरी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं? वेरी नाइस क्लास सर, देखो उन्होंने दो जो है गुलाब दिए हैं, तीन गुलाब दिए हैं रंजन नायक ने, बस इसी दिन के लिए मैं जिंदा था, अब मैं बड़ी खुशी खुशी इन तीन गुलाब के साथ में अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकता हूँ, धन्यवाद राजन नायक। तो शेर शाह सूरी की हम बात कर लेते हैं। तो शेर शाह सूरी जो है इन्होंने अपना मकबरा खुद बनवाया था, अपना जो मकबरा है वो खुद बनवाया था। कहाँ पे बनवाया? बिहार में। बिहार में कहाँ पे बनवाया? सासाराम में। ठीक है, कहाँ बनवाया? सासाराम में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं कि भाई शेर शाह सूरी ने क्या किया था? जीटी रोड का निर्माण करवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने डाक व्यवस्था की थी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि पद्मावत जो लिखा गया है, जिसके बारे में इतना बवाल हुआ है, जो पद्मावत बुक लिखी गई है वो इन्हीं के शासनकाल में लिखी गई है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तानिया लिख रही सर, वाकई में आपकी जैसी इंटरेक्टिव क्लास नहीं देखी मैंने, थैंक यू थैंक यू सो मच। अब सोचिए भाई, जो शेरशाह सूरी था उसने कहा कि दूसरे लोग हमारा मकबरा बनाएंगे, वो पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा बना दें, हो सकता है कि उसमें अच्छे से जो है सीमेंट ना लगाएं, घपला कर दें, टेंडर पता नहीं गलत इंसान के हाथ में चला जाए। तो शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा खुद ही बनवाया कि देखो हम अपने मरने की जगह खुद ही तय करेंगे, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कब, सब कुछ खुद ही तय करेंगे। तो शेरशाह सूरी इसलिए फेमस थे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया लोकेटेड? नेशनल वॉर इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही के दिनों में 25 फरवरी 2019 में इसका जो है उद्घाटन किया था। ऑकलैंड ने सड़क के आजम का नाम जीटी रोड रखा, बिल्कुल सही है। कोलकाता से बॉम्बे, बहुत अच्छा बेटा रवि, बहुत बढ़िया। पजब पवन भी सही बता रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल, थोड़ा दिमाग लगाना, गलत मत कर देना, दिमाग लगाना भाई। अगर इतनी बड़ी चीज है यार ये, मतलब समझ रहे हो, सम्मान देने की बात है, किसको सम्मान देने की बात है, शहीदों को सम्मान देने की बात है, कहाँ होना चाहिए? देश की राजधानी में होना चाहिए। राइट आंसर क्या बनेगा? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली में भाई कुतुब मीनार भी है, आपको पता ही है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा था? आपको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक मीनार का निर्माण कराने के पहले ही निकल लिए। अब निकल लिए तो क्या होगा, मीनार अधूरी रह गई। तो फिर उनके आते हैं दामाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहते हैं कि देखो भैया, हमारे जो पिताजी थे उन्होंने एक मीनार का निर्माण कराया, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, तो क्या करेंगे, उसका मीनार का निर्माण सबसे पहले कराए थे। क्या नाम था उनका? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण कराया। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि इल्तुतमिश को हम रियल फाउंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल फाउंडर कहते हैं गुलाम वंश का, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, द स्लेव ऑफ द स्लेव, क्योंकि कुतुब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, और इल्तुतमिश किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सर का दिमाग गूगल से कम नहीं है। अच्छा, ऋषभ कुमार कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ज्यादा तो नहीं हो रहा, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा बच्चों? ओवरफ्लो होने लगे तो बता देना, ठीक है। जैसे ही ओवरफ्लो करने लगे, दिमाग का जीवी भर जाए, तुरंत के तुरंत मुझे बता देना। अब एक चीज और समझो, इल्तुतमिश की लड़की का नाम का क्या था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान सबसे पहली महिला सल्तनत बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। और रजिया सुल्तान ने पैबोस प्रथा को खत्म किया था, मतलब सजदा नहीं करेंगे। ऋषभ कह रहे सर आदत है ओवरफ्लो की, चलो ठीक है। थोड़ा कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। द सहाद्री माउंटेन रन फ्रॉम दिस टू कन्याकुमारी द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि जो सहाद्री के माउंटेन्स हैं वो कहां से लेके कहां तक फैले हुए हैं। सजदा मतलब सिद्धांत क्या है? सजदा का मतलब ये होता है,
लोकेश लोकेश्वरी सिन्हा कह रहे सर वेरी वेरी नाइस क्लास सर, आज तक आपके जैसे इंटरेक्टिव क्लास नहीं देखी, आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। थैंक यू लोकेश्वरी सिन्हा, थैंक यू सो मच। तो देखो बेटा, सजदा का मतलब होता है किसी के सामने सर झुकाना, दैट इज सजदा, ठीक है। और पाबोस का मतलब होता है जैसे हम लोग घूंघट करते हैं ना, तो महिलाएं जो घूंघट करती थी उसे हम पैबोस कहते थे, और सजदा का मतलब होता है सर झुकाना। तो रजिया सुल्तान ने सजदा प्रथा और पैबोस प्रथा का विरोध किया था, मतलब बंद कर दिया था, ठीक है। देखो भाई इसकी पिक्चर आप देख लो इसको थोड़ा, ये देखो पिक्चर कहां से स्टार्ट हुई है, ये गुजरात से स्टार्ट हुई है, कहां तक जा रही है ये देखो, नीचे तक जा रही है तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जा रही है। और ये पूरा का पूरा जो घाट आपको दिख रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सह्याद्री कहते हैं। अब सह्याद्री में कौन कौन से राज्य जा रहे हैं, आप देखो नीचे तमिलनाडु आ रहा है, केरल आ रहा है, कर्नाटक आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है ना, मध्य प्रदेश भी आएगा, गुजरात भी आएगा, तो सारे स्टेट जो है वो सह्याद्री से टच करते हुए हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो बच्चा मुझे बताएगा कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। इसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। गुजरात इसका 20 का आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है, गुजरात इज द राइट आंसर, ऑलरेडी बच्चों को पता है, ठीक है। हाँ, गुजरात के बारे में अगर बात करें तो गुजरात की सबसे लंबी सीमा रेखा है, बिगेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की है, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, गुजरात में गिर नेशनल पार्क भी है, गुजरात में कच्छ का रण भी है, कच्छ का रण का मतलब समझ लो गधे प्रसिद्ध है, यहाँ के गधे एकदम आराम से चढ़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, अपने यहाँ की तरह नहीं, ये गधा मिल गया पकड़ लिया उससे और गुम्मा मतलब ईंट झुलवा रहे हैं, वहां पे गधों को पूरी आजादी है, उनका संविधान भी है, उनकी पार्लियामेंट भी है। कहाँ की बात हो रही है, गिर के कच्छ के रण, कच्छ के रण में गधे जो है आराम से रहते हैं, और एशियाई शेर कहाँ पे रहते हैं, गिर में रहते हैं, है ना। गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायमंड सिटी है सूरत, अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम है, जो हाल ही के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा में क्या किया गया था, उद्घाटन किया था, लेकिन समस्या ये हो गई कि मोटेरा के समय आ गया कोरोना, और कोरोना के कारण अहमदाबाद में फैल गया कोरोना, समझ में आ गया। चलो अनामुदी इज द राइट आंसर, सह्याद्री की सबसे जो ऊंची चोटी है क्या नाम है, उसका नाम है अनामुदी, इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, अलीगढ़ मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था, बढ़िया क्वेश्चन है ये, गलत मत करना मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिगरे जिगर, जो भी समझ लो हम सफर, गलत मत करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको गलत मत करना। 1875 की बात चल रही है, अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और इसी टाइम पर एक बड़ा कॉलेज खोला जाता है, कॉलेज का नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कहां पर, अलीगढ़ में, और यहीं से अलीगढ़ मूवमेंट की स्थापना होती है, यहीं से अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट होता है। अलीगढ़ मूवमेंट चलाया क्यों गया ये भी समझ लेना, अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया था कि जो जो इस्लाम है उसमें जो बुराइयां है उसे दूर किया जा सके, इस्लाम में ये समझाया जा सके कि शिक्षा बहुत जरूरी है, इस्लाम में ये समझाया जा सके कि जो आप जो बहुत सारी चीजें इरेलीवेंट करते हैं वो गलत है, बहुत सारी पत्नियां जो रखते हैं बहु जो बहु पति पिता वो भी गलत है, तो मतलब बहुत जो इस्लाम में क्रूतियां हैं उनको खत्म करने के लिए अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में, कब चलाया गया था 1875 में, कॉलेज का नाम क्या है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, क्लियर है, याद रहेगा दोस्तों, बिल्कुल AMU कहते हैं इसको, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ये तो बहुत ही आसान है यार, क्या क्वेश्चन पूछ लिया इसने, सीजीएल वाले भी कभी कभी पगलाए जाते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। द प्रोसेस फ्रॉम चेंज लिक्विड टू गैस, गैस के द्रव्य से, सॉरी उल्टा है, ये लिक्विड टू गैस, हाँ सही तो है, लिक्विड टू गैस क्या बनेगा बताओ फटाफट, कितना टुच्चा सवाल पूछा है यार, इसका तो जवाब जानने के लिए मेरा मन नहीं हो रहा है भाई। अगर पानी है इसे गर्म करोगे तो गैस में परिवर्तित होगा, क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे, बात खत्म हो गई यार, इसका भी आंसर ना पता हो। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि सॉलिड से मुझे गैस बनाना है डायरेक्टली, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जरा मुझे बताओगे आप लोग, इसे क्या कहते हैं, अगर मुझे सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाना है तो फिर हम क्या कहेंगे इसको? कपूर सुना है कभी बेटा, यह सब्लिमेशन कहेंगे इसको, बिल्कुल सही लिखा है, इसको हम फिर सब्लिमेशन कहेंगे। ये क्वेश्चन पूछते तब भी सही बात थी।
तो कपूर जो होता है वो सीधे सबलाइन हो जाता है, आपको ये याद रखना है, इसको कैंपूर कहते हैं, कपूर इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स में आइसोटॉपिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है उसका मास हमें दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 298। इफ इट्स न्यूक्लियस हैज 189 न्यूट्रॉन, तो अगर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 189 है तो आपको बताना इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, बताओ आंसर। 23 का पवन रजक कह रहे हैं सर 109 होगा, पवन सही बता रहे हो, कसम है तुमको गलत मत बताना, पवन बेटा बहुत होशियार है ये लड़का, बहुत जल्दी जल्दी आंसर करता है। ऋषभ कुमार नेफ्थलीन बॉल भी होती है, बिल्कुल सही लिखा, देखो बेटा कुछ भी नहीं है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर क्या, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन, केवल प्रोटॉन। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो बचेगा क्या, न्यूट्रॉन बचेगा, मतलब मैं अगर इसमें से न्यूट्रॉन की संख्या घटा दूं तो प्रोटीन, प्रोटीन तो बचेगा, तो भैया ये हो गया 298 में से 189 घटा दो, कितना बन गया देख लो आंसर क्या बनता है, 109 बन रहा है क्या, बिल्कुल सही है 109 इसका सही आंसर बनेगा, 18 में से 9 गया 9 बचा, ठीक है 0 109। हाँ मैंने भी आंसर किया, तन्ने एकदम सही आंसर किया तुमने, बहुत ही बढ़िया बेटा सही आंसर किया है, ठीक है। और जो बच्चे मेरे साथ अभी अनअकैडमी पे नहीं जुड़े जरूर जाएं और लाइक सेशन को लाइक जरूर कर दें, सेशन में इतने लाइक होने चाहिए कि मजा आ जाए। यस तान्या जी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्लेयर हैज द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट रन इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप। यार इनका नाम भी अगर नहीं जानते हो आप तो मैं आपको कह ही कहूं, ये तो हमारे क्या बताएं, इन्होंने, इनके बारे में थोड़ी चीजें लिख रहा हूं, इन्होंने 1992 से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, कब तक क्रिकेट खेला, 1992 का सबसे पहला वर्ल्ड कप था इनका और 2011 का इनका लास्ट वर्ल्ड कप था, तो 1992 से लेकर 2011 तक के सारे वर्ल्ड कप इन्होंने खेले हैं और ये कहे जाते हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट। गॉड ऑफ क्रिकेट किसे बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है, क्रिकेट के भगवान है, बिल्कुल सही, ठीक है। इनमें से एक ऐसा खिलाड़ी है जो अभी एक देश का प्राइम मिनिस्टर है, कोई बच्चा मुझे बताएगा इनमें से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो अभी एक देश का प्राइम मिनिस्टर हो चुका है। हाँ अंजलि तेंदुलकर इनकी वाइफ है, देखो यास्मीन को सारा पता है घर के बारे में, तेंदुलकर जी के घर के बारे में सब कुछ पता है, गुड, और वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, ये भी बता देता हूं मैं, जो अंजलि तेंदुलकर है जो वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। यस इमरान खान इज द राइट आंसर, तो इमरान खान जो है वो क्या है बेटा, इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, कहां के, पाकिस्तान, ठीक है। चलो ब्रायन लारा कहां के हैं, कोई बताएगा, ब्रायन लारा कहां के हैं, ये क्रिकेट वाले बच्चे नहीं जुड़े हैं आज हमारे साथ में, क्रिकेट वाले बच्चे, हाँ क्रिकेट वाले बच्चे बताएंगे मुझे ब्रायन लारा किस देश के साथ में जुड़ा हुआ है। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लुसाई डायलेक्ट स्पोकन, बढ़िया क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये किसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसके बाद हम चलेंगे स्टैटिक पे और उसके बाद हम चलेंगे करंट अफेयर, ठीक है। चलो तो अगर हम लुसई की बात करें, लुसई डायलेक्ट कहाँ बोली जाती है तो बताओ फटाफट, हाँ वेस्ट इंडीज का है राइट आंसर है, वेस्ट इंडीज इज द राइट आंसर, लुसई बताओ बेटा, लुसई भाषा ये स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है, लुसई। अब लुसई कहाँ बोली जाती है, लुसई वहां बोली जाती है जहां की कैपिटल क्या है, ऐज़वाल है, कैपिटल क्या है, ऐज़वाल है, पहली इंपॉर्टेंट, पहली हिंट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, यहां इस जगह को लैंड ऑफ हिल्स कहा जाता है, मतलब पहाड़ों का जो है वो स्थान कहा जाता है। यहाँ का एक फेस्टिवल है जो इस बार पूछा गया है, इसका नाम है चाप चार कूट,
हिंदी में लिख देता हूँ, चाप चार कूट, ये यहाँ का एक फेस्टिवल है। ठीक है, क्या आंसर है? राइट आंसर है मिजोरम इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना बहुत है ना। चलो अब मुझे जरा ये बताओ मेरे भाइयों दोस्तों, इनमें इनमें ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर फ्लोटिंग फ्लोटिंग झील है या फ्लोटिंग आइलैंड है? ठीक है, और नाम भी बताना है मुझे, दोनों चीजें चाहिए मुझे। ठीक है, जहां पर फ्लोटिंग आइलैंड है या फ्लोटिंग झील है या फ्लोटिंग तालाब है, कुछ भी कह लो उसको, एक्चुअली फ्लोटिंग आइलैंड है, कुछ छोटी छोटी झील है जो फ्लोट कर रही है। यस, कहां की बात हो रही है? राइट आंसर इसका है केबुल नाम जाओ। सुना है ऐसा नाम कोई? कहां पे है? दिस इज मणिपुर। मणिपुर में है फ्लोटिंग आइलैंड और फ्लोटिंग झील, ऐसे भी कह लो। ठीक है, केबुल नाम जाओ इज द राइट आंसर, संतोष महतो ने लिख कर दिया है, बहुत बढ़िया। इसका नाम है केबुल नाम जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपसे ही सुना है। ओके, और कौन सी झील है यहाँ पे? लोकटक झील है, लोकटक झील है। ठीक है, मणिपुर में। गोवा, गोवा पुर्तगीज ने इसका, ये बता सकते हो कि गोवा कब भारत में कब अधिग्रहण हुआ है, किस ईयर में गोवा भारत में किस ईयर में अधिग्रहण हुआ है? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस श्रीनगर में, बिल्कुल सही लिख रही है यास्मीन। किस झील पर? डल लेक पर है, बहुत बढ़िया यास्मीन, गोवा वाले बीच पर। अच्छा, ये प्राची गई हो गोवा कभी? नहीं गई हो ना? हाँ, जाना मत, बच्चों के लिए इज नॉट गुड, है ना, नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। तो गोवा की अगर हम बात करें, 1961 में गोवा का अधिग्रहण किया गया था भारत के द्वारा, पुर्तगीज संधि हुई थी, पुर्तगीज के साथ संधि हुई थी 1961 में। क्लियर है, आगे चलें। आरएन रवि यहाँ के गवर्नर है। चलो, दिस इज द फर्स्ट राउंड, फटाफट अपना कमेंट लिखिए 25 में आपने कितना स्कोर किया हुआ है, 25 में आपके कितना स्कोर किया हुआ है। तान्या गई हुई है, अच्छा। सर आप बोले थे जाएंगे, यार जा नहीं पा रहे, क्या बताएं, क्लासेस इतनी ज्यादा हैं कि ये जा नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हो, सर्दियों में जाएंगे अब गोवा। ठीक है, ताकि किनारे भी बैठ के रात देख सके, अब गर्मियां तो चली गई है तो गोवा जाने से कोई मतलब ही नहीं है। यस, प्राची ने 18 क्वेश्चन सही किए, पवन ने 22 क्वेश्चन सही किए, सिद्धांत ने 16 क्वेश्चन सही किए, ऋषभ ने 24 क्वेश्चन सही किए, बहुत बढ़िया ऋषभ, ये तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर है। ब्रिजेश ने 10 क्वेश्चन सही किए हैं, राघविन ने 22 सही किए हैं, यास्मीन ने 22, रवि ने 19, संतोष ने 21, यास्मीन ने 22, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया स्कोर है यार। इतना तुम पेपर में ला दोगे टॉप कर दोगे आप लोग, ठीक है, इतना आप लोग अगर पेपर में ला दोगे सब लोग टॉप कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, जरा आंसर बताओ फटाफट से। कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? 21 पेपर में जरूर आएगा यास्मीन, तो टेंशन ना लो, इतनी सारी चीजें जो बताता हूं ना सब याद रखोगे, पेपर में से बाहर जा ही नहीं सकता। यस, नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड में है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहां पे है? हेग में। ठीक है, और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। बी आंसर सही है। ठीक है, अरे बेटा ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नीदरलैंड की हेग जो है वो कैपिटल है नीदरलैंड की, नीदरलैंड में कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये मैंने बोला है द हेग में। ठीक है, अब देखो ब्रुसेल्स कहां की राजधानी है, ब्रुसेल्स की अगर हम बात करें तो ब्रुसेल्स कहां की है? बेल्जियम की है, याद रखेंगे। आगे चलो, ब्रुसेल्स में किसी का हेडक्वार्टर भी है? हाँ मुझे याद आ रहा है, किसी समय पे मेरे सर ने बताया था, कहां किसका है? नाटो का है। नाटो क्या है? नाटो वो सेना है जो यूनाइटेड नेशन की है, सभी देशों की सेनाओं को मिलाकर नाटो की सेना बनाई गई है। पेरिस कहां की राजधानी है? बेटा फ्रांस की राजधानी है। मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि पेरिस में यूनाइटेड नेशन के किसका हेडक्वार्टर है? तो पेरिस में हेडक्वार्टर है वही व्हाट्सएप वाला मैसेज जिसमें ये कहा गया है कि यूनेस्को ने राष्ट्रगान को सबसे बढ़िया राष्ट्रगान का दर्जा दिया है, जो कि एक फेक न्यूज है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में है। प्राग किसकी राजधानी है? कोई बच्चा मुझे ये बताएगा प्राग किसकी राजधानी है? तो द चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है? प्राग है।
चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है? प्रॉग है। अब मुझे बच्चे ये बताओ मुझे ओपेक की राजधानी कहाँ है? ओपेक क्या है? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक, ओपेक की राजधानी कहाँ पे है? मैंने कल ही बताया है, कल अनअकैडमी की क्लास में ये मैंने बताया है। अच्छा ओके ओके समझ गया। हाँ लार्जेस्ट कैपिटल वही है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बात करूं कि ओपेक की, ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ये लिखा है संतोष ने सबसे पहले, ये है वियना में। कहां पर है? वियना में। ठीक है, कहां पर है? वियना में। चलो आगे चलते हैं। आईएमएफ, क्रिस्टीना गोर्गीवा इसकी अभी प्रमुख है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है बताओ फटाफट? हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ, क्रिस्टीना गोर्गीवा इसकी जो है वो हेड है। और अगर मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक भी है, आपको ये भी याद रखना है। अब बैंक से मुझे याद आया कि भाई एक बैंक और भी है जिसमें अभी हाल ही के दिनों में अशोक लवासा को इसका एक सदस्य बनाया गया है। क्या इसका नाम है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ये भी मुझे आप बताएंगे, फटाफट बताएंगे। जितनी चीजें मैं पूछ रहा हूँ ना, सारी चीजें इसी साल के पेपर में पूछी गई हैं, इसी साल के पेपर में पूछी गई हैं। तो एक भी चीज मैं ऐसी नहीं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस बने रहिए आप हमारे साथ में, सेशन को साथ में देखते चलिए। तो अगर मैं बात करूं कि भाई एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो मनीला में है। बिल्कुल सही लिख रहे हैं, फिलीपींस मनीला में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलीपींस मनीला। सुदर्शन पटनायक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? नृत्य मतलब डांस, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, संगीत मतलब म्यूजिक, रेत कला मतलब सैंड आर्ट, और क्रीड़ा का मतलब है स्पोर्ट्स। बताओ आंसर। सर ये सब कैसे याद होगा, क्या क्या याद करना है? तान्या ये सब याद ऐसी क्लास में होता है, सुनते सुनते आपको स्पेशल याद नहीं करना है, धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठता जाएगा। ये सारी की सारी चीजें मैं लगातार रिपीट करता रहता हूँ, इसीलिए लोगों को याद हो गई है। बाकी लोग जो लिख रहे हैं ना, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उन्हें सब याद हो गया है, ऑलरेडी मैं बताता रहता हूं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? सैंड आर्ट इज द राइट आंसर, रेत कला इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, सुदर्शन पटनायक किस, कहां से जुड़े हुए हैं? कोई मुझे बताएगा कि सुदर्शन पटनायक किस राज्य से जुड़े हुए हैं? कोई बच्चा बताए मुझे, बताओ किस राज्य से जुड़े हुए हैं ये सुदर्शन पटनायक? कौन से राज्य से जुड़े हैं? तो भाई ये जुड़े हुए हैं कहां से? उड़ीसा से। ठीक है, कहां से? उड़ीसा से। अब उड़ीसा से याद आया, उड़ीसा में क्या क्या है? महानदी है। और उड़ीसा में क्या क्या है? उड़ीसा में अभी हाल ही में बंदे उत्कल बंदे जननी यहाँ का राज्यगान स्टार्ट किया गया है। और क्या है यहाँ पे, जो है यहाँ के सीएम को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे कोणार्क का मंदिर है। ठीक है, और क्या है भाई उड़ीसा में? उड़ीसा में पुरी की यात्रा होती है ना। उड़ीसा में जो है वो चिल्का लेक भी है, जिसे हम ताजे पानी की खीर झील कहते हैं। बहुत कुछ है उड़ीसा में। मो जवान मो पहली योजना भी स्टार्ट हुई है, प्राचीन सही लिखा है यहाँ पे। चलो, किसको गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? फटाफट आंसर लिखेंगे। कोणार्क का मंदिर है, बिल्कुल सही लिखना है अली हसन। बताओ बेटा कोणार्क इनमें से किसको गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? रसगुल्ला जीआई टैग दिया है, बिल्कुल सही लिख रहा है यहाँ पे। देखो संतोष एकदम स्मार्ट बंदा है। काला पगोड़ा काला पगोड़ा नहीं है, काला पगोड़ा है प्राची। इट्स पी ए जी ओ डी ई, पगोड़ा, नॉट पकोड़ा। राइट, तो गोल्डन सिटी की बात करें, जैसलमेर इज द राइट आंसर। बच्चे कुछ लोग बता रहे हैं अमृतसर, अमृतसर नहीं है, जैसलमेर इसका सही आंसर है। जैसलमेर का मतलब क्या है? राजस्थान। ठीक है, क्या है? राजस्थान। अब जरा राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। बताओ जरा फटाफट राजस्थान के बारे में आपको क्या क्या पता है? तो राजस्थान के अगर हम बारे में बात करें, तो राजस्थान में भी उठा पटक मची हुई है कमलनाथ के साथ में। तो सीएम कौन है? कमलनाथ है। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें, तो और क्या क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? यस,
कुछ आप लोग लिखोगे या सब कुछ हम ही लिखें? गोल्डन सिटी क्यों? क्योंकि वो पत्थर इस तरीके से लगाए हैं जैसलमेर में कि वो गोल्डन तरह दिखता है ना, पत्थर के कारण है ये। कुछ तो बताओ भाई राजस्थान के बारे में, यार इतना सब कुछ पता है राजस्थान के बारे में। यहाँ झील है, सबसे खारे पानी की झील सबसे बड़ी। क्या नाम है इसका? खारे पानी की झील सबसे बड़ी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भाई सांभर झील। पूछा गया है इसी बार, सांभर झील। और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, यहाँ का एक लोक नृत्य है जो पूछा गया है। क्या नाम है इसका? कालबेलिया। कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है, याद रखेंगे इसको भी। और बताओ राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में क्या है? मरुस्थल भी है। कौन सा? सहारा, सॉरी सहारा या और कुछ? रहा जैन। हाँ पिंक सिटी। पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। हाँ एक और नृत्य है कालबेलिया के अलावा, घूमर। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, आप बच्चे आए एकदम, बिल्कुल सही है। घूमर भावाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बच्चों के दिमाग से चीजें निकल रही हैं। भावाई, कालबेलिया, घूमर, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? राजस्थान के ही हैं। ठीक है, ओके। लतमार होल, ये तो मैंने भी नहीं सुना पवन, क्या बता रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये तुम क्या लिख रहा हो। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू द चैलेंजेस, पुस्तक के लेखक कौन है? यस, लार्जेस्ट स्टेट है, सही लिखा है। गरबा यहाँ का नहीं है, गरबा जो है वो यहाँ का नहीं है। बताओ आंसर। ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में बात हो रही है बेटा, इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं। पहली पुस्तक जो मैंने इनकी पढ़ी थी उसका नाम था द विंग्स ऑफ फायर। कौन सा? द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। ठीक है, मेरे मोस्ट इंस्पायरेशनल जो है व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, बचपन में इनसे मैं बहुत। हाँ लठ मार, बिल्कुल आप सही लिखा है नामिका ने। लठ मार जो है यहां पर होती है, बिल्कुल सही है, एक नृत्य है एक तरीके का ये। यस, तो जो विंग्स ऑफ फायर है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ साथ में हमारे पुस्तक भावने लगे। देख रहे हो इनको भी रात में मजा आ रहा है। तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। इंडिया 2020 भी इनकी बुक है। क्या नाम है? इंडिया 2020। ठीक है, ये भी इनकी बुक है। आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a newspaper was started by बाल गंगाधर तिलक? बताओ जरा। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है, अगर नहीं जाना है तो जान लीजिए। एक दो दल थे कांग्रेस में, एक दल था, नहीं मेरा डॉग नहीं है यार, हमको डॉग से बहुत डर लगता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। मेरे भाई ने कहा कि जब भी आपको कोई कुत्ता दिखाई दे तो आपको उसकी तरफ छूक दीजिए, उससे क्या होगा कुत्ता आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, एकदम सही कह रहे हैं। एक बार क्या हुआ, हम दोनों लोग आ रहे थे तो भाई साहब मेरे भाई ने उस कुत्ते की तरफ थूक दिया है ना, और हुआ क्या, उस कुत्ते ने हम दोनों को दौड़ाए कम से कम 2 किलोमीटर तक। हमको तो नहीं काटा लेकिन मेरे भाई को बहुत जबरदस्त तरीके से काट लिया था। तब से मुझे कुत्तों से नफरत हो गई है। तो भाई बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने जो न्यूज़पेपर निकाला है दैट इज समाचार पत्र, वो है केसरी। ठीक है, हाँ, तो ये किसमें थे? अरे इनको भगा देना कुत्तों को, सुनो भगा देना को। तो ये किससे जुड़े हुए थे? गरम दल से जुड़े हुए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हाँ बंगाल गजट पहला पेपर था, एकदम सही लिख रहे हैं। यस, अब देखो हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहें, इन्हें कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के जनक इनको बोला जाता है। ठीक है,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी स्थापना? होम रूल लीग की स्थापना की थी कि इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने भी की थी और होम रूल और इन्होंने भी की थी, लेकिन 1916 में इंजेक्शन लगवा लिए थे। ऋषभ टेंशन ना लो, भाई ने लगवाए थे, मुझे नहीं काटा था, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, लोगों के ऊपर अब कुत्ता सवार हो गया है। नेशनल एजुकेशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? हाँ, केसरी मूवी वो अलग है, वो किसी युद्ध के ऊपर लिखी गई है, ठीक है, तो वो जो मूवी है वो अलग चीज है। Yes. तो अगर हम एजुकेशन डे की बात करें तो एजुकेशन डे मनाया जाता है किसके, हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर के नाम थे, इनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्मदिन क्या था? नवंबर 11 1888 में इनका जन्म हुआ था और यहीं से नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। इसी दिन क्या आंसर बनेगा? 11 नवंबर को हर साल ये मनाया जाता है। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि 5 नवंबर, 10 नवंबर और 15 नवंबर को क्या क्या मनाया जाता है, तो ये भी मैं बता देता हूं आपको। 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे, 11 नवंबर को एजुकेशन डे और 15 नवंबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे। आज कौन सा डे है? इंटरनेशनल कौन सा डे है आज भैया? हाँ, कौन सा डे है आज इंटरनेशनल? आगे चलो, सबको पता है, सबने सुबह सुबह बस भी कर दिया था, ऐसे मैसेज हमारे पास बहुत सारे आ गए थे, लेकिन क्या करें। यस, सिद्धांत होता है, लिख दिया। बस यही मनाओ आप, बस यही वाला जो ये यही वाला जो डे है ना, बस यही वाला डे मनाओ आप लोग, इंटरनेशनल। बहुत बढ़िया, हमें पता था कि आप जरूर बोलोगे। चलो भाई, यस, आगे चलते हैं। करंट अफेयर राउंड, तो तीसरा राउंड जो है हमारा, दैट इज करंट अफेयर राउंड, फटाफट हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो रहा है। आप बच्चों को भी सोना है, कुछ लोग जो है किसी तरह ऊंगा होगा के पढ़ रहे होंगे, कह रहे होंगे क्या सर रात में आज जो है। चलो, तो अगर हम करंट अफेयर राउंड की बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एनटीपीसी लिमिटेड प्लान्स टू एस्टेब्लिश द सोलर पावर प्लांट इन विच कंट्री। तो वो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि चाइना हर देश को लॉलीपॉप दे रहा है। उसने पाकिस्तान को लॉलीपॉप बहुत पहले दे दी थी, फिर उसने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर नेपाल के ओली जी को लॉलीपॉप दिया और ओली जी मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। बांग्लादेश को लॉलीपॉप दे दिया है, श्रीलंका को लॉलीपॉप दे दिया, मतलब ये समझ लो कि जितने पड़ोसी देश हैं। यास्मीन कहीं सर मैं 1 बजे तक जागती रहती हूँ, यास्मीन इतनी देर तक मत जागा करो बेटा, राखी भी मनाना है। अच्छा। तो जो सोलर पावर प्लांट बनाया गया है एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये किसके कहां लगाया गया है? श्रीलंका में लगाया गया, ठीक है, श्रीलंका में लगा है। अब श्रीलंका के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये आज की न्यूज है, ये टुडे न्यूज है। आज दिन कितना, आज कौन सी तारीख है? 30 जुलाई, तो 30 जुलाई की न्यूज है ये, ठीक है। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट पेड्रो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना हमेशा माउंट पेड्रो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि श्रीलंका का जो दालचीनी होती है और जो मसाले होते हैं वो यहाँ के मूल होते हैं, दालचीनी और मसाले इंडिया को नहीं दे पाएंगे। हाँ, इंडिया के पास बहुत जो है। सर आपकी क्लास मेरे सभी फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगी। थैंक यू ब्रजेश। चलो, लाइक नहीं किया लेकिन बेटा तुमने, कर दिया कि नहीं किया ये बताओ। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वॉलीबॉल यहाँ का स्पोर्ट्स है, ठीक है, वॉलीबॉल यहाँ का स्पोर्ट्स है। हाँ, दालचीनी और मसाले, सही लिख रहा है, ठीक है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? महिंद्रा राजपक्षे। राष्ट्रपति का नाम क्या है? गोतबाय राजपक्षे। दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई मिल गए कि एक काम करो तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लड़के को जो है एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं,
बहू को जो है वो रक्षा मंत्री बना देते हैं और नाती होने वाला है उसके लिए एक पोस्ट बचा लेते हैं, जब भविष्य में वो पैदा होगा तो उसको रक्षा मंत्री बना दिया जाएगा। समझ रही, समझ रहे हो? तो भाई ये लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो यहाँ की दो लैंग्वेज है, एक है तमिल और दूसरी लैंग्वेज कौन सी है, सिंगला। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है, तमिल और सिंगला, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रेलवे सेट अप द टारगेट टू यूज द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग RFID। तो आपको ये बताना है फॉर ट्रैकिंग द बैगेज बाय विच ईयर, तो कंप्लीट लक्ष्य कब तक रखा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, अनअकैडमी पे और भी मजा आता है, ये बात सही है, अनअकैडमी पे जो है और भी मजा आता है, इसको नेपोटिज्म कहते हैं। जब से सुशांत राजपूत की मृत्यु हुई है तब से बच्चे, मतलब ये समझ लो कि नेपोटिज्म हर जगह घुस गया है, हर कुछ भी दिक्कत बात होती है बच्चे कहते हैं नेपोटिज्म क्या है, और कुछ लोग तो सुशांत की मृत्यु में इतना ज्यादा डीपली घुस गए हैं कि उनको सोते जागते सुशांत ही नजर आता है। भगवान ना करे कि कभी आपके सुशांत सामने आ जाए तो आपकी समस्या बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। पहली यहाँ की बंदर नाई की, बिल्कुल सही है, पहली जो है जो राष्ट्रपति थी बंदर नाई की थी, एकदम सही लिख रही है। पहली महिला की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे पहली महिला श्रीलंका की थी बंदर नाई की। तो 2022 तक का लक्ष्य रखा गया, राइट आंसर क्या है 2020। अब देखो ये है क्या, ये कुछ भी नहीं, जैसे ये रेलगाड़ी होती है ना, तो रेलगाड़ी के जो वैगन होते हैं उन वैगन में ये आइडेंटिफिकेशन नंबर लगा दिया जाएगा या फिर ये टैग लगा दिया जाएगा ताकि उनकी रियल टाइम लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सके। तो रियल टाइम लोकेशन जानने के लिए, रियल टाइम की लोकेशन ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, रिया चक्रवर्ती अब देखो चली गई हैं, अब रिया चक्रवर्ती को जेल होगी, फांसी करा देना आप लोग, अब टेंशन न लो, हम आपके साथ में हैं, है ना। सिद्धांत गुप्ता तुम क्या कहते हैं सुशांत राजपूत के लिए संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, जब भी तुम नारा लगाओगे हम तुम्हारे साथ हैं, बस किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती को हमें, हम लोगों को क्या करना है, पनिशमेंट दिलाना है। ठीक है, ठीक है, आगे चलें, ये आगे बढ़े या यहीं पे रहना है? चलो, विच स्टेट गवर्नमेंट, मजाक में कर रहा हूं, सीरियसली मत लेने लेना आप लोग हर एक चीज को। सब लोग साथ में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिनेम्ड द बिलंग ब्लेज आफ्टर द पॉपुलर फोक सॉन्ग रंगावती। लेकिन मैं पर्सनल, मेरा सोचना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गड़बड़ तो हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो है उसमें। तो किस राज्य की बात है, किस राज्य ने लोकप्रिय लोकगीत रंगवती के ऊपर बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? भगवान का भला करे कि ये उड़ीसा है, अदरवाइज उत्तर प्रदेश में तो इतने ज्यादा नाम बदले जा चुके हैं कि मैं इसको याद करते करते एक नई जीके की किताब छपके आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे नाम ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, हर महीने कोई ना कोई नाम बदल दिया जाता है, इस तरीके से क्या होता है न्यूज़पेपर में नाम आता रहता है। हाँ, मर्डर भी होते रहते हैं तो वो सब चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में जो है, ये उत्तम प्रदेश है, यहाँ पर सभी चीजें बराबरी से चलती हैं, लूटपाट मर्डर सब कुछ चलता है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, सार्कजम समझना, बच्चे ने तो सीरियसली ले ले, कोई जैसे भक्त वक्त बैठा हो तो वो कहे कि सर आप ऐसा, योगी जी ने अच्छे काम भी बहुत सारे किए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें कि अभी बहुत कंडीशन खराब है उत्तर प्रदेश की, ये मैं रह रहा हूँ लखनऊ में, और लखनऊ में COVID-19 बहुत ज्यादा फैला हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं, या हॉस्पिटल में जगह नहीं है दोस्त। ठीक है, हाँ, नवाबों का शहर, देखो बेटा उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और उड़ीसा ने ही जो है रंगवती के ऊपर बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है। ठीक है, और अच्छा करंट लाए, करंट में डेली का लाऊंगा तो अच्छा कहां से लाऊंगा यार। ठीक है, चलो मैं लाऊंगा, आप टेंशन ना लो, अब एक दो दिन रुको, आप ऐसा करंट लाऊंगा आपका जो है। हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है, अब बताओ आंसर क्या बनेगा। बताओ आंसर, बताइए फटाफट। लालजी टंडन, देखो अभी एक हॉस्पिटल है मेदांता,
मेरे दोस्त के भाई का जो है वो होना था, किडनी ट्रांसप्लांट होना होना था, तो मैं उनके उसके साथ में गया था। तो वहां पे लालजी टंडन जो है वो एडमिट थे, एक लगभग लगभग 1 महीने से ज्यादा, लगभग 15 दिन से ज्यादा एडमिट रहे हैं, और उनकी हाल ही के दिनों में मृत्यु हो गई है, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो इसीलिए अभी मेदांता कहाँ पे है, लखनऊ में है, और लखनऊ में ही एक चौराहे का नाम यहाँ पर बदल दिया गया है। राइट आंसर क्या बनेगा, लखनऊ इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ, जहाँ इनकी डेथ हुई है लखनऊ में ही हुई है, और जब वहाँ पे एक जगह थी, तो वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे मतलब एक कैंटीन थी, ऐसे समझिए। तो कैंटीन में सारे के सारे लालजी टंडन के जो जो रिश्तेदार वगैरह थे वो सभी लोग बैठे हुए थे, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई थी, तो तभी मुझे पता चला था, ये मेरे मेरे टाइम की बात है। तो अंसल के पास है मेदांता, बिल्कुल सही है, ये लखनऊ के बाहर है। IRCTC और SBI कार्ड ने लॉन्च किया है एक कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड। आपको बताना है कि SBI का जो SBI कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ध्यान देना, SBI कार्ड का हेडक्वार्टर पूछ रहा है। लखनऊ में और क्या अच्छा है सर, बहुत अच्छी चीज है लखनऊ में, इमामबाड़ा है यशमीन, लखनऊ में बीच में हमारे थोड़ी दूर पर दुर्गा नेशनल पार्क में है, और लखनऊ में क्या क्या है, लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क है, लखनऊ में अंबेडकर पार्क है, लखनऊ में गोमती नदी है, लखनऊ में जो है वो जो यहाँ का जो है क्या कहते हैं हाईकोर्ट बनाया गया है, लखनऊ में बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें बहुत सारी हैं, लखनऊ बहुत बढ़िया सिटी है। लेकिन अभी मत आना क्योंकि अभी कोरोना फैला हुआ है। लखनऊ में चिड़ियाघर तो हर जगह होते हैं यार, चिड़ियाघर तो मेरे गाँव में भी है। देखो बेटा, राइट आंसर क्या बनेगा, गुरुग्राम इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। लखनऊ में कुछ घूमने लायक नहीं है, बस लखनऊ अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा करंट अफेयर का सेशन। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो 35 क्वेश्चंस थे। इन 35 क्वेश्चंस में अगर आपके क्वेश्चंस 25 से ऊपर सही हैं तो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। सेशन को दोस्तों, भाइयों, बहनों, सभी लोग लाइक जरूर कर देना सेशन को, और शेयर जरूर कर देना। कल जो क्लास होगी, दो क्लास कल रहेंगी, कितने बजे होगी, एक क्लास होगी 12 बजे, 12 PM पे रहेगी, और एक क्लास होगी 9:30 पे, दो क्लास और होगी, उसके बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मेरी अनअकैडमी के ऐप, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक मेरे अनअकैडमी के ऐप से मुझसे नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी के ऐप पे जाके जरूर जुड़ जाएं। जिस भाई योगेंद्र सर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, क्लियर है। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू ऑल, बाय ऑल, देखते रहिए और बने रहिए नॉलेज 365 के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। सर कल आप अनअकैडमी क्लास लीजिए, अनअकैडमी क्लास 1 तारीख से होगी। लव यू सिद्धांत, लव यू, ये वाला लव यू, ठीक है, ये वाला। चलो बाय।